हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। और आज हम लोगों को पढ़ना है किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक कैपेसिटर फोर्स लगाता है और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, एम आई ऑडिबल, प्लीज़ रिप्लाई। क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ? जल्दी से रिप्लाई करो। यस, ओके। तो पहले तो मैं पिछले क्लास में बोला था कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बोला था कि इसके बाद हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें मैं डीसी सोर्स को लेकर रेजिस्टर भी ले लूँगा और इंडक्टर भी ले लूँगा सी के साथ में, है ना। लेकिन उसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी ठीक है, 24 क्लासेस हुए हैं, तो 24th है ये, तो फिर से मेरे दिमाग में है कि जल्दीबाजी ना करते हुए वो फिर से फोर्स वाला जो रिलेटेड है, जो लास्ट टाइम पिछले क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था, उसको कंक्लूड करते हैं, उससे रिलेटेड भी चीज़ें जान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम लोग इसको, यदि हम लोग ऐसे करें, कहें कि ऐसा है कि भाई आप लोगों को याद होगा ये डायमेंशन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे रहे, ऐसे डायमेंशन रहे, और यदि मैं इसको जोड़ दूं एक बड़े से सोर्स से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जोड़ दूं, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आप लोगों को ये भी होगा, ये भी याद होगा कि इसका मैं डायमेंशन देखे थे, ये मैं बी दिया था और ये ए दिया था, याद होगा तो। और यदि मैं कहा था कि यहाँ पे यदि स्लैब रख दिया जाए, मैं बात कर रहा था पिछले क्लास में कि यहाँ पे यदि हम लोग स्लैब रख दें ऐसे, ऐसे स्लैब रख दे तो ये खींचने लगता है, याद होगा। और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मास एम है, तो ये फोर्स लगाता है ना, ये खींचता है, और ये हम लोग निकाल चुके थे, याद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना अब इसको डिटेल इसका जान लेते हैं, फिर पता चला कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, है ना, या सोच नहीं पाए, तो ज़्यादा अच्छा है कि आरसी सर्किट नेक्स्ट क्लास में। वैसे भी आप लोग देखते हैं कि मैं जो प्लान करता हूँ वो हो नहीं पाता, है ना। मैं चाहता हूँ कि चार क्लास में हो, वो पाँच या छः ज़रूर होता है, तो मैं सोचा था कि पिछले क्लास में ओवर हो जाएगा तो ये बचा रह गया, है ना। और ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैकेनिक्स चीज़ें, मैकेनिक्स वाली बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं। याद करो, ये फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, जिसमें से ये डायमेंशन तो आता है प्लेट का, ये डायमेंशन तो आता है, लेकिन ये डायमेंशन नहीं आता, याद करो, है ना। मतलब कहने का ये है कि जो रिजल्ट आता है हम लोगों के पास, वो ये वाला आता है कि फोर्स लगाता है, 1/2 होता है, K-1 होता है, बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर होता है, बाई डी होता है, याद करो मैं पढ़ाया हुई है ना। तो जब ये फोर्स आया हुआ है और इसमें देखने वाली बात है कि सब कांस्टेंट है, जिसमें से हम लोग एक्स आगे करके भी देखे थे, जिसमें एक्स आया ही नहीं और ना ही ए आया, तो क्यों ना एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए और देखा जाए क्या क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन यदि छोड़ दिया जाए तो, याद करो मैं चालाकी किया था पिछले क्लास में, अच्छा हाँ
जो जो लोग केवल ये क्लास देखें कभी भी केवल ये क्लास, तो तब तो आप लोगों को समझ ही में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है ऐसे ना, कोई भी हो, क्योंकि मैं ये जो ये ऐसे नहीं लिखा हूँ, ये पिछले क्लास में ये रिजल्ट आया है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आप लोगों को जानना भी चाहिए। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को मजबूरी में हमें ए नॉट लिखना पड़ रहा है जो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक ए यूज हो चुका है ना, एक डायमेंशन। कई बार तो कई बच्चे मिस्टेक यही कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और ए ए लिख देते हैं, ए कैंसिल भी हो जाता है। तो कई बार हम लोगों को बहुत ध्यान देना होता है कि यदि हम लोग एक डायमेंशन एक एक सिंबल ए यूज़ कर चुके हैं, तो यदि एक्सेलरेशन के लिए भी ए यूज़ कर लोगे, जब इक्वेशन लगाओगे तो हो सकता है कि ध्यान न दो और ए ए कैंसिल हो जाए ना, तो ये भी नहीं करना है, गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए ए नॉट। बताओ ए नॉट क्या होता है? फोर्स बाई मास होता है, नई चीज़ तो है नहीं है, फोर्स बाय मास होता है, और फोर्स बाय मास का मतलब हो गया 1/2 k-1 b epsilon naught v² / md। बोलो एक्सेलरेशन फिक्स कांस्टेंट, और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया जो दिख रहा है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने देर में कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा, कितने देर में पूरा ए फिल हो जाएगा, ऑसिलेट कैसे, इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का मोशन कैसा होगा, तो पता चलेगा ऑसिलेटरी है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, है ना, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। एनीवे तो करते हैं, देखते हैं, यदि मैं ये कहूं कि थोड़ा समझने की कोशिश करूं जो मैं पिछले क्लास में बता चुका था, तो मैं ये कहूंगा कि एक्सेलरेट होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो नौवीं क्लास के तीनों इक्वेशन लगाऊंगा मैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और मैं इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है के लिए ही वो तीन इक्वेशन होता है। जब ये फोर्स लगता रहेगा एक्सेलरेट होता रहेगा, जब एग्जैक्ट इसमें फिट होगा, ये लंबाई आप लोगों को जानना चाहिए, इसकी भी लंबाई, ये जो आप देख रहे हैं इसकी भी लंबाई a है ना, ठीक है, पहले तो ये जान लो आसानी के लिए, नहीं तो ऐसे 2a भी दिया जा सकता है, इसकी लंबाई 2a भी दी जा सकती है, इसमें एक और स्लैब 2k का जोड़ा जा सकता है ए ही लेंथ का, चाहे इसी में आधा k हो आधा 2k हो, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं पूछने के तरीके में आप इमेजिन कर सकते हो, आधा लेंथ k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो आधा 2k हो, या a लेंथ तक k हो और एक और डायलेक्ट्रिक इसी में जुड़ा हो, एम्बेड वो हो, ज्वाइंट हो, वेल्डेड हो इसी में, है ना। तो फिलहाल पॉसिबिलिटी तो आपको पता ही है कि बहुत सारी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी फिलहाल डायमेंशन ए है, फोर्स लगेगा एक्सेलरेट होगा, और जब यहाँ पर एक्सेलरेट होते होते यहाँ पर आएगा उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब ये स्लैब इसमें स्लाइड करेगा ना। अच्छा हाँ, इसको टेबल पे मान लो सरकता हुआ, इस पे एमजी उमजी मत लगाना या ग्रेविटी फ्री मान लो, अपने से ये नहीं लुढ़का मत देना कि सर ये तो लुढ़क के गिर जाएगा, तो ऐसे नहीं, ऐसे कई कई बार हमें अपने से सोचना होता है कि ग्रेविटी लेना है कि नहीं, यदि ग्रेविटी ले लें तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा, तो इसलिए नहीं। अच्छा है ग्रेविटी लेना है तो इसको पूरे पूरे अरेंजमेंट को स्मूथ सरफेस पे मान लो, और यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड रहे और उस पर सरकता हुआ सरफेस पे इसको अंदर अंदर बाहर मान लो, ये हो सकता है ना। तो
कई बातें हैं जो हम लोग को अपने से सोचनी होती हैं। अच्छा, तो ये जब एक फोर्स लग रहा है और ये जब यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि तब तक एक्सेलरेट होता रहेगा। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा तो ये मत सोचना वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास जब ऐसे गया है तो उसके पास वेलोसिटी है, अब वो बाहर निकलेगा। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा होगा, जैसे ही ये स्लैब बाहर निकलने लगा होगा, ये फोर्स इधर लगने लगेगा, क्योंकि बाहर वाली चीजों को वो अंदर खींचता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कांस्टेंट फोर्स से बाहर वाली चीजों को अंदर खींचता है और अपने कैपेसिटेंस को मैक्सिमम करना चाहता है, एनर्जी को मैक्सिमम करना चाहता है। अब तुम कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी को क्यों मैक्सिमम करना चाहता है, तो सिस्टम की बात हो जाएगी, केवल इसी की तो बात है नहीं। तो जैसे ही ये बाहर निकलने लगेगा फोर्स इधर लगने लगेगा, और जब वेलोसिटी उधर होगा और फोर्स इधर होगा तो रिटार्डेशन होगा, लेकिन अचानक रुक नहीं जाएगा, रिटार्डेशन होगा। इसका मतलब ये ए अंदर जाएगा और सिमेट्रिकली ए बाहर जाएगा तो रुकेगा, अब फिर खिंचाएगा और आते आते उतना ही स्पीड गेन कर लेगा क्योंकि एक्सेलरेट होगा, और फिर यहाँ पे आके जीरो। सो जीरो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, देन जीरो वेलोसिटी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, देन जीरो, देन मैक्सिमम, देन जीरो, देन मैक्सिमम एंड सो ऑन। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बाहर जाएगा ये। तो एक तो ये पॉइंट हुआ जो हम लोगों को जानना था, एक्सेलरेशन हमारे पास है। मैं जानना चाहता हूं, यदि कोई पूछता है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो मैं निकालने जा रहा हूं, ठीक है, डिटेल मैं निकालने जा रहा हूं। ये रहा तीसरा इक्वेशन निकालने के बाद, ये रहा तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है, दिस इज यू जीरो लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, कितना आगे जाना है ए। सो व्हाट इज वी, this v is nothing but this v maximum, v is nothing but under root 2a not a, मतलब v की वैल्यू आ गई under root 2, a not is this much, k minus 1, b epsilon not v square, a dimension by md, दिस इज वी मैक्स। ये मैक्सिमम स्पीड है जब ये पूरा फिट हो गया होगा इसमें, और उस समय कैपेसिटेंस भी मैक्सिमम हुआ, क्योंकि एक डायलेक्ट्रिक स्लैब जब बिल्कुल फिट हुआ हो इसमें तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है, तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि स्पीड इसके पास है तो अब बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। अब कोई पूछेगा कि ये जो ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है, ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए मैं सोच रहा हूं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड है कितना, वो जानो, है ना। मैं तो कहता हूं कि बल्कि मैं ए नॉट के टर्म में सब चीजें बताता हूं, तुम लोग ए नॉट की वैल्यू इतना रख देना। कई बच्चे तो यही नहीं जान पाते, ऐसे मानकर ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, ये देखो कितनी बड़ी समस्या है बच्चों की। एनीवे, यदि कोई हमसे पूछेगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, तो सिमेट्री का यूज करूंगा, टी स्मॉल टी जाने में, स्मॉल टी रुकने में, स्मॉल टी आने में और स्मॉल टी निकलने में, दिस वन टाइप का वन कंप्लीट साइकिल, अगेन दिस गोइंग टू रिपीट इट, टी जाने में और सेम पैटर्न में रिटार्ड होने में टी, फिर आने में टी और फिर बाहर निकलने में टी। तो देखो कितना आसानी से मैं इसका टाइम पीरियड लिख रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा जान के, दिस इज टाइम पीरियड इज 4T,
दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 40, बट दिस इज नॉट SHM, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट SHM, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट SHM. क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन SHM नहीं होता, पर हर SHM ऑसिलेटरी मोशन होता है. बड़ा सरप्राइजिंग है. इसका रीजन है ये, SHM एक स्पेसिफिक ऑसिलेशन है जिसमें फोर्स रिस्टोरिंग होता है, रिटार्ड करने वाला होता है, लौटाने वाला होता है, रिस्टोर करने वाला होता है, जो कि प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल फोर्स होता है. ऐसा फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, वेरिएबल होता है. यदि फोर्स वेरिएबल ना हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल ना हो, दोनों वेरिएबल, तभी SHM कहेंगे, नहीं तो SHM नहीं होगा. और वो भी कैसा होना चाहिए वेरिएबल, वो भी मैं आपको बता दिया. एनीवे, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, ये तो मैं समझा दिया कि 40, लेकिन ये आंसर तो है नहीं, क्योंकि टी तो आप जानते नहीं है. निकाल देता हूं टी, सेकेंड इक्वेशन यूज करने जा रहा हूं, नौवीं क्लास का सेकेंड इक्वेशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट एस बराबर, ये टी इसे ही माना गया है. ए आगे जाने को मैं टी माना हूं, इसीलिए चार 40 है. टी 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 एंड टी वन टाइम पीरियड. एस बराबर यूटी प्लस हाफ, ए मत लिख देना, वही वाला कैंसिल हो जाएगा. ए नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ए टी स्क्वायर. सो टी इज नथिंग बट अंडर रूट 2a बाई ए नॉट. हमें घबराना इससे नहीं है, हमें इससे है, और ये निकाले हुए देखो यहां पर, दिस इज ए नॉट. इसका मतलब टाइम पीरियड इज नथिंग बट 4 अंडर रूट 2a बाई ए नॉट. क्वेश्चन में तो a तो दिया ही था, जो डायमेंशन है, ये नहीं दिया था तो रख लेना ये, और ये मैं तुम्हें बताना चाहता था. इमेजिन करो, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, हाईएस्ट लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें ये नहीं देखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आज तक IIT और नीट में आए हैं कि नहीं आए हैं. पहले तो ये जानो कि आ सकता है, भले ही प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, और मैटर ये नहीं करता कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉबलिटी, हर कितना भी कठिन हो थोड़ी बहुत प्रॉबलिटी रहती है आने की. वो याद करो तिरछा वाला आ गया था, जो कि मैं कहा था कि इसे कभी नहीं आना चाहिए, फिर भी आ गया था, उतना लंबा था, एलेन और लॉग, तो आने को तो कुछ भी आ सकता है. ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग कैपेसिटर में भी मैकेनिक्स देख रहे हैं, कहीं और भी जब कोई चीज़ कहीं फोर्स लगे, कहीं पे ऑसिलेशन हो, कहीं पे एक्सेलरेशन हो, तो हम लोग ओवरऑल फिर से कैसे रिलेट करके चीज़ों को सोच सकते हैं. कौन सा ला? अच्छा, ये दो, यहाँ पे भी दो था ना. हाँ, ये मैं जल्दी जल्दी में लग रहा है कि नहीं लिखा था, ये एक ही जगह लिखना था ना, टू और ए नॉट में यहाँ पे ना, तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये जो ए नॉट था, ए नॉट की वैल्यू में 1/2 था, नीचे 2 था, तो ये कैंसिल हो रहा होगा, यही ना. ठीक है, गुड, वेरी गुड. चलो, वैसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे से क्या गलती हो रही है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है. तो हाँ, टाइम पीरियड आ गया, मैक्सिमम स्पीड आ गया, दिस इज वी मैक्स, कहिए तो वी मैक्स कर दे, इसको वी मैक्स लिख दे, दिस मैक्सिमम स्पीड.
ए दूरी पर चल के, सो दिस वी मैक्स और ये है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ग्राफ खींचे, ग्राफ ग्राफ खींचे है ना, तो ग्राफ देखते हैं और सोचते हैं हर चीजों को ध्यान में रखते हुए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ए नॉट के टर्म में, कहिए तो इसको टी नॉट कर दे क्या यार, जो अंदर जाने का जो वैल्यू है अंदर जाने का टी नॉट कर देते हैं तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा ना, देयर इज टी नॉट, देयर इज नथिंग बट टी नॉट, ताकि स्पेसिफिक हो जाए, तुम्हें ये ना लगे कि ये कोई जनरल सा टाइम है ना। तो क्या अब हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, टी नॉट की वैल्यू आपको पता है, दिस इज वैल्यू, दिस इज टी नॉट। टी नॉट याद रखना एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो स्लैब को अंदर जाने का टाइम है, फिर उतना ही बाहर जाने का टाइम है, फिर उतना ही देर में आने का टाइम है और उतना ही में बाहर निकलने का टाइम है। ये मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स सेम है, तो जिस पैटर्न में एक्सेलरेट होगा उसी में रिटार्ड होगा, उसी से एक्सेलरेट होगा और उसी से रिटार्ड होगा। तो ये रीज़न था फटाफट सोचने का टाइम है ना। तो अब एक काम करते हैं, जब इतनी चीज़ें हम लोगों को मिल गई, इतनी चीजें हम लोगों को मिल गई, तो क्यों ना हम लोग ए टी वी टी डिस्प्लेसमेंट टी ग्राफ खींचे जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। चलिए इन चीजों का ध्यान में रखते हुए कि ए नॉट की वैल्यू हमारे पास है, कितने देर में अंदर जाएगा वो है, और वी मैक्सिमम कितना है वो है, ये जानते हुए अब हम लोग ग्राफ खींचने के लायक अब हो चुके हैं और खींचते हैं। मिटाना पड़ेगा सर है ना, देखते हैं सभी लोग देखेंगे तो बड़ा मजा भी आएगा और नहीं तो गड़बड़ा जाएगा यार है ना। चलो पहले तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का एटी वीटी एसटी ग्राफ खींचते हैं, ताकि अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये 11th का रिवीजन मान लो यार, अब इसी में रिवीजन भी करवाने लग रहा हूँ, मेरा क्लास तो फिर तो ज़्यादा तो होगा ही है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं ऐसे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ए एंड टी, दिस इज ए एंड टी। चलो देखो तो जरा अच्छा लगेगा आपको ग्राफ देख के कैसे मैं सोच रहा हूँ। पहले तो ये जानो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर ऑलवेज नहीं है, जब तक वो अंदर जा रहा था तभी तक कांस्टेंट है, जैसे ही वो बाहर निकलने लगा एक्सेलरेशन माइनस हो गया। पहले एक्सेलरेशन जिधर फोर्स इधर था खींच रहा था तो इधर एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन जब तक ये अंदर जाता रहा ऐसे तब तक एक्सेलरेशन इधर ही था, जब फिट हो गया इसमें बिल्कुल पूरा आ गया कंप्लीटली तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और जैसे ही बाहर निकलने लगा ये तो फोर्स इधर लगने लगा और एक्सेलरेशन उल्टा हो गया माइनस हो गया। यदि ऐसा है तो साफ है, बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि एक्सेलरेशन का ग्राफ देखिए बड़ा सुन के अच्छा लगेगा आपको, पहले प्लस था फिर अचानक माइनस हुआ फिर अचानक प्लस हुआ, सॉरी ध्यान से गड़बड़ा गया, मेरी बात ध्यान सुनना, टी तक प्लस था, टी तक प्लस था, अगला टी तक माइनस था और उसके अगले टी तक भी माइनस ही था, जब इसमें से बाहर निकल रहा था तो भी एक्सेलरेशन इधर ही था और बाहर से जब अंदर आ रहा था तो भी इधर ही था है ना। इसका मतलब ये यहां से यहां तक इधर ही था, मतलब टी नॉट दिस इज टू टी नॉट दिस इज थ्री टी नॉट, अब ये जब इधर निकलने लगा बाहर तो फिर एक्सेलरेशन प्लस आया, समझ में आया, दिस 4t नॉट एंड अगेन 5t नॉट तक ऐसे ही था। चलो ध्यान से सुन लो अच्छा लगेगा, नहीं तो गलत हो सकता था आपसे ये वाला, जल्दी जल्दी में सुनो।
टी नॉट तक प्लस था, अगले टी नॉट तक, अगला टी नॉट, पहला टी नॉट इंटरवल पहले टी नॉट तक प्लस था, अगले टी नॉट तक माइनस था, और उसके भी अगले टी नॉट तक जब आ रहा था तो भी माइनस था, जब इधर बाहर निकलने लगा तब उधर प्लस हो गया, वही मैं किया हूं। मतलब 4T0 पे भी 3T0 से 4T0 प्लस था, और फिर से 5T0 तक प्लस ही रहेगा, फिर अंदर जाना है। है ना, तो ये जल्दी जल्दी में गलत हो सकता है, केवल एक लाइन टी नॉट तक यही है, नीचे 2T0 ऊपर 2T0 इंटरवल, नीचे 2T0 ऊपर 2T0, ऐसे चलना है इसको, है ना, केवल एक इंटरवल टी नॉट ये है, ये भी 2T0 इंटरवल 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 है, और क्यों 2T0 इंटरवल है ये आप सोचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एनीवे, अब मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को वीटी ग्राफ दिखाऊं, है ना, ये रहा वीटी ग्राफ, वीटी, और उसी के नीचे बनाऊंगा तो ज्यादा आइडिया लगेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही खींच ले, तो जल्दी से आप लोग सभी लोग जल्दी से वीटी ग्राफ खींच लो, तो मैं भी खींचूं और आप लोग चेक करें। सभी लोग वीटी ग्राफ खींच के डन लिखो, क्योंकि मैं ग्राफ तो देख नहीं पाऊंगा आपका, तो सभी लोग वीटी ग्राफ खींचो और डन लिखो, कमान। और फिजिक्स तो तभी आती है जब हम लोग अपना पूरा फोकस यहाँ पे किए रहते हैं, फिजिक्स कभी भी एक्सप्रेशन इक्वेशन कैलकुलेशन से कभी नहीं आती, क्योंकि फिजिक्स में सिचुएशंस होते हैं और उसमें वेरिएशन इतना खतरनाक होता है कि आपको पैनी निगाह रखना होता है। ये मैथ्स बायो केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि कुछ चीज़ें आपके पास लिमिटेशन है कि यही होता है, है ना। हाँ, लॉज की लिमिटेशन है, मैं तो कहूंगा कि लॉज तो सबसे ज्यादा लिमिटेड एरी है तो फिजिक्स में है, है ना, लिमिटेड लॉज है, अप्लीकेशन और वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप केमिस्ट्री मैथ्स बायो कुल मिला देंगे तो भी इसके बराबर नहीं होगा, इतना वेरिएशन। एनीवे, सो सभी लोग जल्दी से डन लिखो तो मैं भी खींचूं और आप लोग चेक करें जल्दी, कम ऑन। कई बच्चे डन लिख रहे हैं, और इसको आप मैकेनिक्स का रिवीजन भी मान सकते हैं, देख रहे होंगे किस तरीके से रिवीजन हो रहा है, डन, बहुत सारे बच्चे डन। ओके, मैं बना रहा हूं, मैं मेरे दिमाग में पहले तो ये है, कुछ रिवाइज कर दूं, एक्सिलरेशन कांस्टेंट का वीटी ग्राफ, एक्सिलरेशन कांस्टेंट का वीटी ग्राफ और स्पीड टी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। पहला इक्वेशन है वी बराबर यू प्लस ए टी, स्ट्रेट लाइन, स्पीड वाला भी और वेलोसिटी वाला भी, हालांकि मैं फिलहाल स्पीड वाला खींचने जा रहा हूं, अरे सॉरी वेलोसिटी वाला खींचने जा रहा हूं। तो और कांस्टेंट एक्सिलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 1D मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, हमेशा पैराबोला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2x, पैराबोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं खींचने जा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन खींचने जा रहा हूं, क्योंकि बात वीटी की हो रही है, और मैं बता भी रहा हूं कि क्यों स्ट्रेट लाइन होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, मैं यहां से टी नॉट तक देखना चाहता हूं, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा निकाल चुका हूं पहले और खींचने जा रहा हूं। सभी लोग देखें, ये देखिए ग्राफ, ये रहा मैक्सिमम स्पीड जो
टी नॉट पे आया होगा, दिस इज वी मैक्स, याद होगा, ये निकाल चुका हूं, यहां लिख नहीं रहा हूं, वी मैक्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। टी नॉट हो चुका है मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी घट के जीरो बाहर जाएगा, टू टी नॉट प्लस जीरो। जब लौट के आएगा तो वेलोसिटी उतना ही माइनस मैक्सिमम होगा। दिस इज माइनस वी मैक्स, वी जीरो, दिस टी टू टी नॉट, दिस टू टी नॉट, दिस अगेन थ्री टी नॉट, टी नॉट, टू टी नॉट, दिस थ्री टी नॉट, मैक्सिमम माइनस वेलोसिटी। अब फिर से इधर, फिर जीरो, दिस वन साइकिल, दिस वन साइकिल, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, दिस साइकिल अगेन लाइक दिस। दिस वन साइकिल, दिस अगेन वन साइकिल, एंड सो ऑन। यदि कोई कहता है स्पीड टाइम खींचिए, दिस फोर टी नॉट ऑब्वियसली, दिस फाइव टी नॉट, एंड सो ऑन। यदि कोई कहता है स्पीड टाइम खींचिए, तो इसको मैं यहां पे खींच लूंगा, इसको मैं ऊपर खींच लूंगा, दिस इज स्पीड टाइम, दिस 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 इज स्पीड टाइम, बट दिस इज वेलोसिटी टाइम, दिस इज वेलोसिटी टाइम। सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचे हैं, कम ऑन, डू इट फास्ट। सभी लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे हैं, जल्दी से, सभी लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचिए। अब अपना चेक कर लीजिएगा कि कितना सही कितना गलत है आप लोगों का। जल्दी से वेलोसिटी टाइम नहीं यार, जल्दी से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचिए। वेलोसिटी टाइम तो हो गया, स्पीड टाइम भी बताई दिया। जल्दी से सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचो, कम ऑन, जल्दी से आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं खींचूं, चलिए सभी लोग देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें आप लोग। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एस एंड टी, सभी लोग पैनी निगाह रखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं, हां सभी लोग देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर से मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, सोचने लायक है ना, मैं क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच बीच में बदल जा रही है, तो हमें सोच के ही करना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड मोशन, फोकस, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम, हाइट टाइम, कुछ भी इस तरह की बातें, मीटर, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डिस्टेंस, पोजीशन, दिस दैट, टाइम के साथ, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पैराबोला ही होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला। तो चलिए खींचते हैं, लेकिन हाँ
एक पैराबोला नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन, क्योंकि ए अचानक बीच बीच में बदल जा रहा है, इधर ए फिर उधर जाने लगा तो इधर ए, फिर आने लगा तो इधर ही ए, फिर इधर निकलने लगा तो इधर ए, जब आने लगा तो इधर ही ए। इमेजिन करिए, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिजिक्स है ये, सोचता हूँ मैं खींचता हूँ, एक्सेलरेशन प्लस ए तक, ये रहा ग्राफ आपके सामने, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट ए, ये रहा डिस्प्लेसमेंट ए, ये रहा डिस्प्लेसमेंट ए। कहां पहुंचे हैं वो जरा देखो, तो ये अंदर आ चुका है, ये अंदर आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट ए हो चुका है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट टू वे होगा कि नहीं? ये देखो ये यहां पे आया है ये वाला पोर्शन, और अभी ये और आगे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट टू वे होगा, पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, और एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो पैराबोला ऐसे बनाना पड़ता है, देखो ऐसे, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, टू ए डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस डायमेंशन मीटर में है, डायमेंशन है ये। एक्सेलरेशन प्लस पैराबोला अपवर्ड, एक्सेलरेशन माइनस पैराबोला डाउनवर्ड, लेकिन यही तक पहुंचना है। कहां पहुंचे हुए हैं? यहां से लेकर यहां तक पहुंचे हुए हैं, फिर लौटेगा और डिस्प्लेसमेंट ए होगा, फिर ये लौटेगा और डिस्प्लेसमेंट ए होगा। डिस्प्लेसमेंट ए होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट ए, और जैसे ही ये बाहर निकलने लगेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट ए, डिस्प्लेसमेंट टू ए, अगेन डिस्प्लेसमेंट ए, अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां लौट के आ गया, और जब इधर आ गया तो फिर से वही वाला ऐसे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम इज 40 नॉट, दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल, अगेन रिपीट इट, अगेन रिपीट इट, एंड सो ऑन। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज अगेन टू ए, अगेन टू ए। और एक और चीज है, डिस्प्लेसमेंट माइनस नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट प्लस लिए हैं, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट, टू वे डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर से इधर, तो डिस्प्लेसमेंट तो शुरू से ही लोगे ना, जब उधर टू वे हो गया, जब यहां पे रहेगा तो यहां से तो अभी ए रहेगा ना, और जब यहां पे आ जाएगा तो जीरो होगा, यहां से पीछे जाता तब ना माइनस होता, यार जाएगा ही नहीं पीछे, ये यहां से जहां से ले रहा उसके पीछे थोड़ी जाएगा। तो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कहीं नहीं हो रहा है, टाइम के साथ ये ग्राफ बन चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डिस्टेंस टाइम भी खींच सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस टाइम भी खींचा जा सकता है? याद करो, जिनको कम समझ में आ रहा है या कम समझ में आएगा वो फिर से मेरा वीडियो लेक्चर देख लेगा, काइनेमेटिक्स वाला, डिस्टेंस टाइम कैसे खींचेंगे सुन लो, कहो तो इसी में खींच के दिखा देते हैं, इसी में देख लो, आप लोगों को बढ़िया लगेगा। मैं ब्लैक से खींच दूं क्या? किसे खींचूं? आप लोग क्या बोल रहे हो, ब्लैक से खींच दूं? चलिए ब्लैक से खींच देता हूं, ध्यान देना, क्योंकि वैसे रेड से खींच देता हूं, ये हालांकि रेड बना हुआ है। देखो तो जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तब तक डिस्टेंस वही रहता है, जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तब तक डिस्टेंस वही रहता है, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट घटने लगता है मिरर इमेज लेकर इसे बढ़ाया जाता है। वही देखो, मिरर इमेज लेकर इसे बढ़ाया जाता है,
फिर जब बढ़ता है तो वैसे ही बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही घटता है फिर उसको बढ़ाना पड़ता है, और फिर उसके बाद बढ़ता है तो फिर बढ़ाना होता है, एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट डिस्प्ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ. याद करो, पढ़ाया हूं मैं, ये नया नहीं है. ये जो मैं ग्राफ खींचा हूं, दिस इज व्हाट डिस्टेंस टाइम, दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो रेड खींचा हूं. कैसे सोचोगे? देखो, डिस्टेंस सोचोगे तो अच्छा लगेगा. ए, टू ए, थ्री ए, फोर ए. डिस्टेंस तो फोर ए है, डिस्टेंस तो फोर ए है, भले ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है. फिर से फाइव ए, सिक्स ए, सेवन ए, एट ए. फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो है पर डिस्टेंस एट ए है. नाइन ए, टेन ए, इलेवन ए, ट्वेल्व ए. फिर से डिस्टेंस 12 है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि आप इनिशियल पे चले आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता. वो लगातार यदि बॉडी चलती रहती है तो डिस्टेंस बढ़ता रहता है. तो हमें लग रहा है कि इन ग्राफ को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बड़ी आसानी से. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग एक्स के साथ भी ग्राफ खींच पाएंगे क्या? टाइम के साथ तो चलो हो गया, टाइम के साथ करंट भी खींच सकते हैं, टाइम के साथ हम लोग कैपेसिटेंस भी खींच सकते हैं, टाइम के साथ हम लोग कुछ भी खींच सकते हैं, टाइम के साथ, है ना? टाइम तो पहले एक्स के साथ खींच लेते हैं, फिर टाइम के साथ सोचते हैं. चलिए देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं फिलहाल बाकी सब केस में. ये बताओ, क्या तुम्हें ये याद है कि पिछले क्लास में आप लोग देख सकते हैं, क्या ये याद है कि कैपेसिटेंस ये आया था, कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी बी एप्सिलॉन नॉट, बी एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय डी. यह आया था क्या? देखो तो जरा बताओ तो मैं आगे बढ़ूं. यही था क्या? कैपेसिटेंस देखो, यही था क्या? बी एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन एक्स प्लस ए बाय डी. देखो तो यही है. अच्छा, जल्दी से सभी लोग फटाफट सी का एक्स के साथ, जो एक्स अंदर गया था, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, सी का एक्स के साथ चार्ज का, एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का, एक्स के साथ करंट का, एक्स के साथ सब किसी भी चीज का एक्स के साथ ग्राफ खींचा जा सकता है. तो जल्दी से सी एक्स ग्राफ खींचो, फिर मैं खींचता हूं, आप चेक करिएगा. कम ऑन, जल्दी. जल्दी से ग्राफ खींचो. कम ऑन,
सी एक्स ग्राफ खींचो। डन डन भी लिखो। अच्छा चलिए, एनीवे मैं खींच देता हूं। ये देखिए सी एक्स ग्राफ। तुम लोग इससे, मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं कि कभी भी ये मत सोचना कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा है खराब है ना। जरूरत इस बात की है कि हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं सोचने की, समझने की, आइडिया लगाने की, प्लानिंग की ना। तो चलो इस पे जरा फोकस करो। तो पहले तो ये जानो कि जो डिस्प्लेसमेंट है ए, एक्स की वैल्यू बता रहा हूं, ए टू ए, ए जीरो, इसका मतलब साफ है एक्स तो टू ए से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है बात तो यहीं तक रहेगी, दिस इज ए एंड दिस इज टू ए, इससे ज्यादा संभव नहीं है। पहला तो पॉइंट ये है कि यहां तक ग्राफ खींचना है क्योंकि एक्स की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां तक जाएगा तो ए होगा ए, और फिर से रेस्ट में आएगा तो और ए आगे जाएगा तो टू ए तक जाएगा, फिर कम होके एक्स जीरो होने वाला है बाहर निकल जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ध्यान देने वाला कि एक्स के साथ लीनियर है ये। दूसरा जो एक पॉइंट है ध्यान देने वाला वो एक्स के साथ लीनियर की बात हो रही है, एक्स के साथ लीनियर की बात हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि शुरू शुरू में यदि एक्स जीरो करे तो सिंपल सा सी नॉट आएगा। यदि मैं कहूं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी नॉट जो शुरू शुरू में है विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो चलिए मैं ग्राफ खींचता हूं, जीरो से मत खींचना। यदि शुरू में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो एक्स जीरो रखना तो यही जीरो होगा। ऊपर में देखो एरिया है, देखो इसका ए इंटू बी एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कम से कम डायलेक्ट्रिक अंदर थोड़ा भी नहीं गया है तो कैपेसिटेंस जीरो थोड़ी ही है यार। जीरो फटाक से जीरो मत खींच देना। इसका मतलब साफ है जो शुरू शुरू में है वो सी नॉट है, बढ़ा होगा और हो गया होगा के सी नॉट, फिर घटा होगा और घट के हुआ होगा फिर से टू ए। टू ए पर ध्यान से, जब ए चला होगा तो के सी नॉट हुआ होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट टू ए हो गया होगा तो फिर सी नॉट हो गया होगा, फिर बढ़ा होगा, सॉरी आगे नहीं बढ़ना भाई, बच्चे जल्दी जल्दी यही गलती करते हैं। देखो तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे गया है फिर ऐसे गया है, ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया है फिर ऐसे गया है और फिर लौट गया है। ये ग्राफ का ये इसका मोशन ऐसे ऐसे होता रहेगा, इसका मोशन ऐसे ऐसे होता रहेगा और ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, वीटी ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, एसटी ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा। टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन एक्स नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि एक्स फिर से लौट जा रहा है, एक्स पीछे लौट जा रहा है। तो एक्स पे फोकस रखना था हम लोगों को। यदि मैं आपसे ये कहता कि कैपेसिटेंस का टी के साथ बनाओ, यदि मैं कहता कि कैपेसिटेंस का ग्राफ, कैपेसिटेंस का ग्राफ एक्स के साथ मत बनाओ, कैपेसिटेंस का ग्राफ टी के साथ बनाओ, तब तो अब तो कठिन हो जाएगा, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं बता देता हूं, याद करो कि कैपेसिटेंस का एक्स के साथ बनाने में कुछ और नहीं, चली गई दूरी आइडिया लगवा देता हूं तुम्हें, यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए नॉट टी स्क्वायर।
आपको नहीं लगता चली गई दूरी का सेंस यहीं पे रख लेंगे और C की वैल्यू हो जाएगी B एप्सिलॉन नॉट K माइनस वन, और X की जगह चली गई दूरी नौवीं क्लास का इक्वेशन है, 1/2 A नॉट T स्क्वायर प्लस A बाई डी। पैराबोला ग्राफ हो गया है सिटी। सभी लोग जल्दी से कैपेसिटेंस और टाइम के साथ ग्राफ खींचो, सीटी ग्राफ खींचो, जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। और डन लिखो, सी और एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, सी और एक्स का ग्राफ पावर वन और पावर वन स्ट्रेट लाइन, अब सी और टाइम के साथ ग्राफ पावर वन और पावर टू है। जल्दी से सभी लोग डन लिखो ग्राफ खींच के तो मैं आगे बढ़ूं, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो। टाइम के साथ सी खींचो, चलो मैं खींच के दिखाता हूं तुम्हें, टाइम के साथ सी, टाइम के साथ सी देखो तुम, ये देखो तुम, टाइम के साथ सी देखो, दिस इज सी एंड दिस इज टाइम। पहले तो ये जानो कि किस तरीके से चीजें डिवाइड हो रही हैं ना, पहले तो ये तुम नोटिस करो। एक साइकिल वाला रिपीट करूंगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, डिवीजन बना रहा हूं। पहले मैं टी नॉट, टू टी नॉट, याद है ना टी नॉट क्या होता है, थ्री टी नॉट, 40 नॉट, 50 नॉट एंड सो ऑन। मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं और सोचता हूं, काफी कुछ प्लानिंग मेरी हो चुकी है, फिजिक्स के ग्राफ ऐसे ही सोच के खींचने होते हैं। चलिए मैं देखता हूं, पहले तो ये कि शुरू शुरू में टी जीरो रखूंगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब बाहर रहेगा तो भी कैपेसिटेंस जीरो नहीं होगा। पहले तो ये है, यहाँ पे रख के देख भी सकते हो, कैपेसिटेंस जीरो नहीं है बल्कि मिनिमम है पर जीरो नहीं है। हाँ, जब ये फिट हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ठीक है, मैक्सिमम होगा, के टाइम्स होगा, लेकिन देखते हैं कैसे बढ़ रहा है वो देखो। शुरू शुरू में सी नॉट है, यही सी नॉट, और ये बढ़ा बढ़ा और के सी नॉट हो गया, बढ़ा और के सी नॉट हो गया, बढ़ा और के सी नॉट हो गया, और फटाक से वैसे ही घटा, जैसे बढ़ा था वैसे ही घटा और जीरो हो गया, अरे सॉरी मिनिमम सी नॉट हो गया। ध्यान से, फिर से, फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जब जैसे ही पूरा अंदर जा चुका था टी नॉट टाइम बाद, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस था के सी नॉट, पढ़ाया हूं, शुरू में सी नॉट था, जीरो नहीं था। जैसे ही वो बाहर निकल के पूरा कंप्लीट बाहर हुआ तो वो फिर सी नॉट हुआ, लेकिन जिस तरीके से बढ़ा था उसी तरीके से बड़ी तेजी से घटा था, और फिर जब अंदर आएगा तो फिर ये बढ़ के, फिर ये बढ़ के सी नॉट होगा, और फिर घटेगा, फिर जीरो, फिर सी नॉट होगा, फिर बढ़ेगा एंड सो ऑन। हमें लग रहा है कि आप लोग मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, बढ़ के सी नॉट, सी नॉट, के सी नॉट, सी नॉट, के सी नॉट, सी नॉट, बट पैराबोला, बट पैराबोला। एक तो ये चीज आप लोगों को समझनी थी, एक और चीज ध्यान दे सकते हो, यदि मैं कहता
यदि मैं आपसे ये कहता कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, फोकस करो मेरी बात पे, ध्यान से जरा मेरी बात पे फोकस करो। तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो जरा यहाँ पे देखो तो मैं क्या लिख रहा हूँ। ये देखो, चार्ज आपको नहीं लगता है सी वी होगा हमेशा सी वी, वी इज कॉन्स्टेंट, सी इज वेरिएबल। तो बस क्या करोगे, सी में वी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू हो जाएगा। मैं यहां पर फटाक से क्यू लिख सकता हूं यदि इसमें मैं वी मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्यू एक्स रिलेशन यही होगा, दिस इज क्यू एक्स ग्राफ। इसका मतलब क्यू एक्स भी यही रहेगा और क्यू टी भी यही रहेगा। मतलब यदि मैं कह दूं कि सी नहीं, यहां पे क्यू टाइप का कर दूं, यहां पे क्यू नॉट कर दूं, तो इसी तरह की बातें होनी है। और यदि यहां पे क्यू टी कर दूं और यहां पे क्यू नॉट कर दूं तो भी इसी तरह की बातें होनी है। क्यों ऐसा होना है, क्योंकि जब वी एक कॉन्स्टेंट चीज, नहीं अचानक कैपेसिटेंस कम होने लगा ना, डाउनवर्ड अपवर्ड, एक्चुअली गड़बड़ ये हो रहा है ना कि जो हम लोग एक्सप्रेशन ये लिखे हैं ये केवल किसके लिए लिखे हैं, ये केवल इसके लिए लिखे हैं जब अंदर जा रहा है, जब बाहर जा रहा है तो हमें नया इक्वेशन लिखना होगा, है ना। सी उस पैटर्न से नहीं घट रहा है ना। जैसे एक्स की बात आप सोचते हैं वैसे तो ये नहीं घट रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये बढ़ रहा था आगे, रिटार्डेशन होने लगा, तो उसके अनुसार सोच रहे थे। अभी फिलहाल जैसे ही बाहर जाने लगा, जिस रेट से लास्ट में, ऐसे देखो, बहुत तेजी से सी बढ़ा था जब वी मैक्सिमम था, उसी वी मैक्सिमम से अचानक फटाक से सी घटने लगा, ये कुछ मॉड टाइप का होने लगा ना वहीं पे। ये डिस्प्लेसमेंट की तरह तो रहा नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता तो पैराबोला ऐसे हो जाता ना, ये वाला चीज ऐसे होता है। इसीलिए कहता हूं कि फिजिक्स में कोई हार्ड फास्ट इस तरह का रूल नहीं है सिचुएशन के अनुसार। सोचोगे तो अच्छा लगेगा, ये बहुत सारे लोगों का शायद गलत हो गया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब इसमें ये बोले बताओ, क्वेश्चन समझते हैं, ये तो समझ में आया होगा टी स्क्वायर सी टी। लेकिन कई लोग सोच रहे हैं कि फिर से जब बाहर जाएगा, मैक्सिमम हो चुका है, बाहर जाएगा तो कम तो होना है, के सी नॉट से कम तो होना है टू टी नॉट पर, लेकिन ऐसे कम करें कि स्ट्रेट लाइन से कम करें। यही हम लोगों की दिक्कत है ना, आप लोग यही बोल रहे हो ना कि सर डाउनवर्ड पैराबोला करिए, ये बोल रहा ना। तो डाउनवर्ड इसके लिए होता यदि डिस्प्लेसमेंट सोचते टू ए होता, तो डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज हो रहे हो ना कि डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन ये पैटर्न ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे सी की बात हो रही है जो एक नई चीज है जिसमें हमें मॉड टाइप का सोचना पड़ रहा है। चलो सोचते हैं, इस वाले में स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा क्योंकि टी के साथ तो पैराबोला आना है, उसी तरह का कुछ दूसरे टाइप का होगा एक्सप्रेशन, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो या तो ऐसे कर दें या तो ऐसे कर दें। अब कौन सा वाला, ऐसे वाला क्यों नहीं, ऐसे वाला क्यों, तो दोनों में क्या अंतर है वो समझो। ऐसे करने का मतलब होता है कहीं पे शुरू में कम डिक्रीज करना बाद में तेजी से, और ऐसे करने का मतलब होता है शुरू में तेजी से डिक्रीज करना और बाद में धीरे धीरे। ये डिफरेंस है, ये याद रखना, नहीं तो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम तो लिख सकते हैं, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा है सोच के बनाया जाए। अब हमको बताओ, जिस रेट से मैक्सिमम स्पीड से सी बढ़ा होगा किसी टी टाइम पर, टी नॉट पर, उसी स्पीड से शुरुआत हुई होगी घटने की, तो शुरू में तेजी से घटेगा बाद में धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग,
शुरू में सी कम बढ़ रहा था, वी कम था, बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत तेजी से घटा होगा शुरू में, क्योंकि इसके पास निकलते समय बहुत तेज वेलोसिटी थी, बहुत तेजी से घटा होगा, बाद में जीरो हुआ होगा, फिर बढ़ा होगा, एंड सो ऑन। तो क्या आप लोग ऐसे कहीं और भी कहीं भी नहीं सोच सकते हैं? ये जो डिफरेंस है इस कर्वेचर का और इस कर्वेचर का है ना, और इसी तरह ऊपर ऊपर भी होता है, इस कर्वेचर का और इस कर्वेचर का ऊपर भी, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, तीनों डिक्रीजिंग पर तरी